नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज दुनिया भर में 130,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना से अब तक 80,20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका भी कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहां 21,62,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और करीब 1,18,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 8,70,000 से ज्यादा लोगों को इस खतरनाक बीमारी से बचाया भी गया है। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस की फिर वापसी देखने को मिल रही है। सोमवार को 36 यहां पर नए केस मिले हैं। कोरोना संक्रमण के नए मामलों के मिलने के साथ ही पिछले कुछ दिनों में बीजिंग में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 79 हो गई है। ये कोरोना संक्रमण के सभी केस सब्जी मंडी और मीट सप्लाई के थोक बाजार से जुड़े हुए हैं। ईरान में पिछले 2 महीनों में पहली बार कोरोना वायरस से एक दिन में हुई मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 107 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि 3 अंकों में मौत का आंकड़ा बताना उनके लिए बेहद तकलीफदेह है। स्पेन भी पुर्तगाल को छोड़कर यूरोपीय संघ के शेंगेन देशों के लिए अपनी सीमाएं 21 जून से खोलनी जा रहा है। दरअसल पुर्तगाल के बॉर्डर 1 जुलाई को खोले जाएंगे। इसके पहले स्पेनिश सरकार ने कहा था कि स्पेन पर्यटकों को बिना क्वारंटाइन के 1 जुलाई से देश के अंदर आने की अनुमति देगा। ग्रीस ने अब पर्यटकों के लिए हवाई अड्डों को खुलवा दिया है। लगभग 3 महीने के लॉकडाउन के बाद देश के मुख्य हवाई अड्डों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 जून को फिर से शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने कहा है कि हमारे लिए पर्यटकों की सुरक्षा सबसे पहले है। पाकिस्तान में अब कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो रही है। रोज 6,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई अंत तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 12 लाख मामले हो सकते हैं, जबकि इसी महीने ये केस बढ़कर 3 लाख तक पहुंच सकता है। कोरोना वायरस के कारण हांगकांग में महीनों से बंद आर्थिक गतिविधियों की धीमी गति से वापसी हो रही है और इसी क्रम में यहां का डिज्नीलैंड दोबारा 18 जून को खोल दिया जाएगा। जनवरी से बंद पड़े इस एम्यूजमेंट पार्क को दोबारा खोलने के लिए सीमित लोगों को एंट्री मिलेगी। ये बात आई है सामने। रेस्टोरेंट राइड्स और अन्य फैसिलिटी में भी शारीरिक दूरी को बरकरार रखा जाएगा। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर ब्रिटेन में भी प्रदर्शन भड़के हैं। इस दौरान लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में मौजूद महात्मा गांधी और विंस्टन चर्चिल की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसे देखते हुए प्रतिमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर सैन्य कार्रवाई की धमकी के बाद कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव बढ़ गया है, जिसको देखते हुए दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति मून जे इन ने शांति समझौता बनाए रखने की बात कही है और उत्तर कोरिया से बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की। चीन में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। वुहान की तरह राजधानी बीजिंग में भी कोरोना वायरस से संक्रमित नए मरीजों की पहचान हो रही है, जिसको देखते हुए चीन सरकार ने बीजिंग में मास टेस्टिंग कराने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। कोरोना वायरस चीन का पीछा नहीं छोड़ रहा है। वुहान के बाद अब चीन की राजधानी बीजिंग में पिछले 4 दिनों से कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए चीन सरकार ने अब वुहान की तर्ज पर बीजिंग में भी मास टेस्टिंग की शुरुआत कर दी है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। आप कतार में खड़े इन लोगों को देख सकते हैं कैसे ये सैंपल देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल राजधानी बीजिंग में पिछले 4 दिनों में कोरोना वायरस से संक्रमित नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसने चीन सरकार की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद चीनी सरकार ने मास टेस्टिंग का फैसला लिया है। सोमवार को यहाँ 36 नए केस मिले हैं। कोरोना संक्रमण के नए मामलों के मिलने के साथ ही पिछले कुछ दिनों में बीजिंग में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 79 हो गई है। ये कोरोना संक्रमण के सभी केस सब्जी मंडी और मीट सप्लाई के थोक बाजार से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद सरकार ने मार्केट को बंद करने का फैसला सुना दिया है। बीजिंग में संक्रमण के मामले बढ़ने से अधिकारी चिंतित हो गए हैं, क्योंकि शहर में करीब 2 महीने तक कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया था। नए मामलों ने चीन की राजधानी में कोरोना के फिर से फैलने की चिंताओं को जन्म दे दिया है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों को वायरस के फिर से फैलने की आशंका से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयार रहने को कहा गया है। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 83,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,634 लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।
फ्रांस के राष्ट्रपति का कहना है कि उनके देश ने कोरोना के खिलाफ पहली लड़ाई जीत ली है। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि अब फ्रांस में कई तरह की पाबंदियां हटा ली जाएंगी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने देश को लॉकडाउन से निकालकर पटरी पर फिर से लाने की अपनी योजना भी पेश की। फ्रांस में कोरोना वायरस का कहर अब काफी हद तक थम गया है। यहाँ लगातार हालात बेहतर हो रहे हैं, बाजार खुल गए हैं, लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत मिल गई है, गाड़ियां चलने लगी हैं। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश को लॉकडाउन से निकालकर पटरी पर लाने की अपनी योजना पेश की है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से देश के नाम अपने चौथे संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि 3 महीने लंबे चले लॉकडाउन के बाद अब देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का वक्त आ गया है। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि फ्रांस ने कोरोना के खिलाफ पहली लड़ाई जीत ली है और अब यहां कई तरह की पाबंदियां हटा ली जाएंगी। मैक्रों ने पड़ोसी देशों के लिए अपनी सीमाएं भी खोलने का ऐलान किया। Tout le territoire, à l'exception de Mayotte et de la Guyane où le virus circule encore activement, tout le territoire donc passera dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la zone verte, ce qui permettra notamment une reprise plus forte du travail. लॉकडाउन को लेकर नई योजना में पेरिस में बार और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत मिल गई है। साथ ही 22 जून से स्कूल भी खुल जाएंगे। बता दें कि फ्रांस में पहले ही लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दी जा चुकी है। यहां सरकारी दफ्तर और बाजार खुलने लगे हैं। साथ ही पर्यटन स्थलों पर भी काफी चहल पहल देखी जा रही है। आज तक ब्यूरो। वैसे तो योग के कई फायदे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के समय खासकर लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग कर रहे हैं। अब बांग्लादेश की पुलिस अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए योग कर रही है ताकि काम के दबाव के बीच ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले फिट रह सके। योग का हर आसन शरीर के किसी न किसी भाग के लिए फायदेमंद है। योग अच्छी सेहत के रास्ते तो खोलता ही है, साथ ही साथ मन की शांति भी देता है। कोरोना वायरस महामारी के दौर में तनाव दूर रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बांग्लादेश की पुलिस योग कर रही है। पुलिस फोर्स के लिए योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस के जवान कैसे मास्क लगाकर लाइन में योगा करने के लिए आ रहे हैं। अब सारे पुलिस वाले दूरी बनाकर चटाई पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और ट्रेनर के निर्देशानुसार सभी एक साथ सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। बांग्लादेश पुलिस के लिए सामूहिक योग सत्र का आयोजन लगातार हो रहा है ताकि वे भी कोरोना महामारी के समय फिट रहें। पुलिस वाले ट्रेनर के निर्देशानुसार कई तरह के योग कर रहे हैं, कभी दोनों पैरों को ऊपर उठाकर तो कभी पेट के बल लेटकर। पुलिस वाले योग कर खुद को फिट रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने पूरे बांग्लादेश में 6,000 पुलिस जवानों और अधिकारियों को अपनी चपेट में ले लिया और 19 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी ढाका में कम से कम 1850 पुलिसकर्मी इस घातक महामारी से घिर गए हैं और अब तक 10 की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में लॉकडाउन के दौरान भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार को आशंका है कि अर्थव्यवस्था के खुलने से संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए पुलिस वालों के लिए योग का ये सेशन शुरू करवाया गया है ताकि बाजार खुलने के बाद पुलिस वालों के ड्यूटी करने के वक्त संक्रमित होने की संभावना को कम किया जा सके। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।